जैसा कि हम सबको मालूम है, दिवाली आ रही है। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली पर हम पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। वैसे हम लोग पटाखे हर खुशी के मौके पर फोड़ते हैं और बहुत सारे फेस्टिवल में खुशी जताने और दिखाने के लिए फोड़ते हैं। बट क्या आप लोग को मालूम है पटाखा को किसने बनाया, कहाँ बनाया, कौन से साल में बनाया और हमारे भारत में पटाखा कहाँ से आया? हेलो फ्रेंड, मेरा नाम 07 और आप देख रहे हैं 07 अबाउट नेचर। ये मजेदार स्टोरी में आपको पता चलेगा कि पटाखा चाइना, इटली, फ्रांस की देन है। लगभग 1000 साल पुरानी बात है, जब चाइना के लोग बांस को जलाते थे, वो भी जंगली जानवर भूत और चोर को भगाने के लिए। जैसा कि हम सबको मालूम, बांस को इंग्लिश में बम्बू कहते हैं और बांस अंदर से खोखली होती है और बम्बू में जगह जगह पर पार्टीशन होता है जो बम्बू को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है। जैसे ही बम्बू को जलाया जाता है, इसके दो पार्टीशन के बीच में हवा होने के कारण गर्मी की वजह से फूटने लगता है और एक जोरदार आवाज होती है। इसकी वजह से जानवर डर के भाग जाते हैं। आगे चल के चाइना के लोग ये बम्बू वाले पटाखे को नए साल के मौके पर परेशानी को दूर करने के और खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जलाने लगे। पुराने टाइम में बम्बू को जलाने को ही पहला पटाखा माना गया है। चाइना में तो काफी साल तक बम्बू वाले पटाखे को ही अलग अलग खुशी के मौके पर जलाने लगे। काफी साल तक चाइना में ऐसे ही चला। फिर चाइना के साइंटिस्ट ने एक ऐसा केमिकल मिक्सर बनाया जिसे बम्बू में डालने के बाद बम्बू बहुत तेज आवाज में फूटने लगा। जाने अनजाने में चाइना में बम्बू वाले पटाखे बनाए, बट इसको मॉडर्न टच मिला इटली में। कुछ ऐसा बोला जाता है, 13th century में मार्को पोलो जब चाइना से आ रहे थे तो वो चाइना से वो केमिकल का सैंपल अपने साथ इटली लेते आए थे। मार्को पोलो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर बहुत सारे पटाखे के टाइप मिले। इसके साथ फ्रांस ने भी पटाखे बनाने में अपना योगदान दिया। 1830 से पहले पटाखे में सिर्फ तेज आवाज़ और धुआं ही निकलता था। और फिर इटली में बहुत रिसर्च के बाद एक केमिकल ऐसा मिला जो तेज आवाज़ के साथ अलग अलग सुनहरे कलर की लाइट भी देता था। आजकल यूज़ होने वाले पटाखे इन्हीं पटाखे के न्यू फॉर्म और हम बोल सकते हैं डेवलप्ड रूप है। चाइना, इटली, फ्रांस में पहले से ही हर सेलिब्रेट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाने के लिए पटाखे का यूज़ होता आ रहा है। इंग्लैंड में तो जब राजा वॉर जीत कर आता था तो वो खुशी अपनी दिखाने के लिए वो पटाखे जलाते थे। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हर खुशी के मौके पर त्यौहार पर पटाखा फोड़ने लगे और हमारे इंडिया में तो दिवाली पर बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं। सो फ्रेंड, दिवाली एक दो दिन में आ रही है। दिवाली के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और आपने पहले से ही पटाखे का इंतज़ाम कर लिया होगा, पर आप लोग इन्वायरमेंट और अपना खुद की सेफ्टी रख के पटाखे फोड़िएगा और ज़्यादातर यूज़ करिएगा पॉल्यूशन फ्री पटाखे। पॉल्यूशन फ्री पटाखे से हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा सेफ रहेगा। इस दिवाली हम सब मिलके एक एक प्लांट भी लगाएंगे जो हमारे प्रदूषण को कम करने में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।